नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, तारा भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि सहअस्तित्व को मैं किस प्रकार देखता हूँ। तो हमने देखा था कि किसी भी इकाई के पांच आयाम होते हैं, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म। तो रूप और गुण में निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, सार्वभौमिकता नहीं है। स्वभाव, धर्म और परम धर्म में निश्चितता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। और उसी को एक शुद्ध दृष्टा के रूप में जब मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर चिंतन, बोध, अनुभव की क्रियाएं जागृत होती हैं और यही मेरा विकास है। इसी के लिए अभी हम सब प्रयासरत हैं। इसी क्रम में प्रकृति की चारों अवस्थाओं का हमने स्वभाव, धर्म और संपृक्तता का अध्ययन किया था, किस प्रकार से दिखाई देती है। तो इसको लेकर यदि कल दिन भर की जांच परख से है ना कोई प्रश्न बना हो तो आप रख सकते हैं। कोई ऐसा शब्द हो जो अभी स्पष्ट ना हुआ हो तो उसको आप रख सकते हैं। इस पूरे चार्ट में कोई ऐसा शब्द हो जो अभी अपने स्पष्ट ना हो। तो चिंतन में मुझे स्वभाव स्पष्ट होता है। स्वभाव का मतलब है संबंध, यानी अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। बोध में स्वयं में व्यवस्था यानी धर्म यानी धारणा स्पष्ट होती है। और अनुभव की क्रिया में सहअस्तित्व स्पष्ट होता है, सहअस्तित्व दिखाई देता है। इस पे हम लोगों ने इस पूरे थ्री के कोर्स में देखे तो बार बार इस डायग्राम को सामने रखकर हमने डिस्कशन किया, क्योंकि ये मूल मुद्दा है। जितना जितना मैं स्वयं में विकास को ठीक से स्पष्ट कर पाता हूँ उतना मुझे अस्तित्व भी ठीक से स्पष्ट होता है। तो जब मुझे स्वयं में चिंतन, बोध, अनुभव, क्रियाओं की क्षमता दिखाई देती है, उनकी संभावना दिखाई देती है, तो उसके साथ मुझे अस्तित्व में संबंध भी दिखाई देता है, व्यवस्था भी दिखाई देती है। सहअस्तित्व के अनुभव की संभावना के साथ साथ शून्य के होने का पता भी लगता है और इकाइयां किस प्रकार उसमें बनी हुई हैं इसका भी पता लगता है। तो जितना जितना हम स्वयं में ऊपरी क्रियाओं को जागृत कर रहे होते हैं उतना उतना हम अस्तित्व के बारे में भी स्पष्ट हो रहे होते हैं। तो काम सारा स्वयं में होना है। एक मजे की बात यह है कि मुझे अस्तित्व को जानने के लिए बाहर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। जो भी बाहर से सूचना मिल रही है रूप और गुण के बारे में है, जो दिखने का काम है वो तो स्वयं में स्वयं द्वारा होना है। और जो कुछ भी है वो मुझ में पहले से ही प्रतिबिंबित है, रिफ्लेक्टेड है, मुझे बस पर ध्यान देना है। ये जो सहज स्वीकृति शब्द है जिसको हम लोग बार बार प्रयोग करते रहे, अल्टीमेटली यही है कि ये जो पूरा अस्तित्व है जिस प्रकार है, संबंध जिस प्रकार है, व्यवस्था जिस प्रकार है, सहअस्तित्व जिस प्रकार है, और मुझ में शून्य के माध्यम से पहले से ही प्रतिबिंबित है। मैं बस ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहां मुझे सुख नहीं लग रहा। अभी जिन चीजों को सुख माने हुए थे उस पर ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान देते तो ये भी दिखाई देता है और ये भी दिखाई देता है कि इसकी तैयारी भी होनी है। तो कल्पनाशीलता में भी जितनी तैयारी हमारी स्वयं में हो जाती है तो उतना ही हम चिंतन बोध के लिए प्रवृत्त हो पाते हैं। कल्पनाशीलता में भी अपने को दिखता है कि काफी काम करना शेष हो सकता है। हो सकता है अभी हमारा ध्यान संवेदनाओं के आस्वादन पर हो सकता है हमारा ध्यान विचारों में ही गया हो सकता है हमारा ध्यान भाव पे जा पा रहा हो। ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे भी ये क्रम से गति हमारी बन रही है। तो अभी कल्पनाशीलता में बहुत सारा काम शेष हो सकता है, उसको पूरा करते हैं तो जितना जितना पूरा करते हैं आराम पाते हैं और उतना ये संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व ये हमारी विचारों में स्पष्टता भी बनती है, भाव में स्पष्टता भी बनती है। उसका जीने में भी अपने को एक प्रमाण मिलता है कि हाँ ऐसे जिया जाए तो सुख मिलता है। तो उसमें भी काफी उपलब्धि है। अगर हम ब्लॉक B2 में भी देखें, अगर इतनी बात स्पष्ट होती है तो हमारे जीने में बहुत सारे निर्णय परिमार्जित होते हुए दिखाई देते हैं, बदलते हुए दिखाई देते हैं। सुविधा को लेकर, संबंधों के निर्वाह को लेकर, शरीर के स्वास्थ्य को लेकर, शेष प्रकृति में भागीदारी को लेकर। और आपको ये भी दिखाई देगा कि अल्टीमेटली यहीं से समाज की सारी समस्याओं का समाधान है। ऊपर ऊपर हम जो कुछ भी करें रूप और गुण के स्तर पर वो लिपा पोती जैसा ही है ना। हम कुछ नियम बना लें, कुछ कानून बना लें, कुछ हम दंड संहिता बना लें, बट आदमी तो वही करेगा जिसमें उसको सुख लगता है। उसको हम जितना भी रोकें अल्टीमेटली अगर उसको सुख लग रहा है तो उधर जाएगा ही। बट यदि हमको सुख दिखाई दे कि संबंध को देख पाने जी पाने में है, व्यवस्था को देख पाने जी पाने में है,
सहस्तित्व को देख पाने में है और उसके अनुसार प्रमाणित होने में है, तो वही करेंगे। भैया मुझे थोड़ा सा इसमें एक्चुअली जो स्पंदनशीलता पवेशन जो लिखा आपने पल्सेशन, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लोर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। स्पंदनशीलता का मतलब है संकुचन हो रहा है, प्रसारण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है जी, उसी को स्पंदन कहते हैं। स्पंदन कहाँ कहते हैं, है ना? स्पंदन और सेंसेशन में थोड़ा सा मतलब सेंसेशन की हमें थोड़ा सा आभास होता है, सेंसेशन हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमें कैसा मतलब थोड़ा सा फील आता है, बट स्पंदनशीलता में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सेंसेशन कह रहे हैं कि शरीर में जो घटनाएं हो रही हैं जी, उसको मैं पढ़ता हूँ जी, तो मुख्य रूप से उसको सेंसेशन कह रहे हैं जी, जहाँ स्पंदन है वहां सेंसेशन होगा ही, तो क्रिया के रूप में देखें तो जहां भी स्पंदन हो रहा है वहां संवेदना भी है, उसको मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो स्पंदनशीलता मींस अपोजिट ऑफ दैट सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता से थोड़ा सा, क्योंकि आपने बताया कि जहां वो हो रहा है वहां वो भी हो रहा है, तो हमारे अंदर दो भाव चलते हैं, एक निगेटिविटी एक पॉजिटिविटी, तो हमें किधर जाना वो हम अगर अपने आप पर कंट्रोल करते हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, नहीं तो निगेटिविटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसमें एक्चुअली पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पहली बात तो ये संवेदना हो चाहे स्पंदन हो जी, ये शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं। अच्छा 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 बॉडी में हो रहा है, सेल्फ में नहीं। और क्या जी, देखिए प्राणावस्था में लिखा है, यानी बॉडी में हो रहा है ना, प्राणावस्था इकाई में हो रहा है। धन्यवाद भैया, नमस्ते। नमस्ते। स्व अस्तित्व पे अगर देखा जाए तो एक जो अच्छे शिक्षक हैं, जो एक अच्छे अनुभवी मतलब मेंटर हैं, वो अपना स्व अस्तित्व तो बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन जब किसी संस्था से जुड़ते हैं, शिक्षक संस्था से जुड़ते हैं, तो वो शिक्षक संस्था उनके स्व अस्तित्व के ऊपर चोट करती है बार बार, तो उसको कैसे मतलब शिक्षक जो अच्छे शिक्षक हैं वो अपने को कैसे संभालें? देखिए स्व अस्तित्व यहाँ जो लिखा है वो तो किस प्रकार प्रकृति शून्य में संपृक्त है उसको लिखा है, परंतु हाँ जीने में जाते हैं तो हम संबंध पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं, व्यवस्था पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं, उसको भी स्व अस्तित्व के रूप में रख सकते हैं। तो वो समन्वय नहीं बैठ पाते हैं, स्व अस्तित्व पूर्वक जीना है ना, और वैसा ही हर मनुष्य सहस्तित्व पूर्वक जीना ही चाहता है, बट हमारी मान्यताएं जो हैं, हमारे विचार जो हैं, हमारे भाव जो हैं, वो उसके अन्यथा हो जाते हैं, क्योंकि समझा नहीं है, सहस्तित्व को समझा नहीं है, व्यवस्था को समझा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक है जिनके बारे में आप बात करें सिर्फ वही सहस्तित्व पूर्वक जीना चाहते हैं, बाकी सभी जीना चाहते हैं, बट उनको अभी जो सुख लग रहा है वो बहुत सारी अन्यथा चीजों में लग रहा है, किसी को संवेदना में लग रहा है, किसी को दूसरे से मिलने वाले किसी भाव में लग रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। चाहना उनके भी ठीक है, चाहना ठीक है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि प्रायोरिटीज अलग है, प्रायोरिटीज क्यों अलग है, मान्यताएं अलग है, तो उनका जिस तरह का वातावरण रहा, जिस तरह का शिक्षा संस्कार रहा, जिस तरह उन्होंने स्वयं में काम किया, उन सब के आधार पर उनके अंदर बहुत सारी मान्यताएं बन गई, तो चाहना उनकी भी गड़बड़ नहीं है, ऐसा नहीं कि वो संस्कृत पूर्वक जीना नहीं चाहते, चाहते वो भी है। तो मतलब समन्वय फिर कैसे बनाए, अपने में थोड़ा सा गिरावट ला के समन्वय बनाए, या फिर अपने देखिए अभी जो शिक्षा में काम हो रहा है उसी बात के लिए हो रहा है कि चाहना सब ठीक है परंतु कंडीशनिंग अलग अलग होगी। आप देखिए ना, कोई भी वर्कशॉप होता है, हाँ, पहले दो दिन तीन दिन कितना उठा पटक होता है जी, जैसे आप यही बात कर दी, सुविधा थर्ड प्रायोरिटी है, अभी हम सब सुविधा संग्रह में लगे हुए, भोग में लगे हुए, लोग इतना सारा उसमें है ना तर्क वितर्क करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अभी उसको मान के जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो वर्कशॉप में क्या होता है कि दो दिन तीन दिन में जो हम इंटेंसिव डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे कुछ बातें उनको स्पष्ट हो जाती हैं। वो इंटेंसिव सेशन का अगर अवसर ना मिले, वो इंटेंसिटी के साथ यदि हम कभी संवाद ना कर पाए, तो अगला आदमी जहाँ फंसा हुआ वहां फंसा रहता है जी। जी अभी आप थोड़ा सा एक वर्कशॉप का ऑब्जर्व करिए, पहले एक दिन दो दिन में काफी सारी चीजें होती हैं, लोग बहुत सारा विरोध भी व्यक्त करेंगे, आपकी बातों पे शंका व्यक्त करेंगे, ठीक, हाँ, बट आप उनके प्रश्नों का समाधान करते जाइए, तीसरे दिन चौथे दिन से सेटल हो जाते हैं।
अब ये इंटेंसिटी के साथ संवाद करने का अवसर कहाँ मिल रहा है लोगों को, तो जो माने हुए उसको ढोए जा रहे हैं, उसको जिए जा रहे हैं और उसे आराम पाते हैं। अभी वो आराम पाने का अवसर नहीं है, इसलिए उन्हीं सुविधा संग्रह में, भोग में, उनसे मिलने वाली संवेदनाओं के सुख की आशा में अपने को लगाए हुए। अपने आप में जांच पर थोड़ी होगी तो निकल पाएंगे, नहीं होगी तो ऐसे फंसे रहेंगे। अब जब वहां खुद फंसे हुए हैं तो दूसरों के साथ जीने में चूक होती रहती है, आचरण की अनिश्चितता बनी रहती है। हाँ जी, एकदम सही कह रहे हैं आप जी, धन्यवाद। बहुत जरूरी है ना कि संस्थाओं में बैठ के संवाद हो, है ना, और संवाद के मुद्दे भी पहले समझ संबंध को लेकर हो। जो हम आपस में काम का बंटवारा किए हुए हैं उसमें जो फल परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर नहीं, पहले समझ और संबंध को लेकर हो। अभी आप कहीं भी आप डिपार्टमेंट बैठ के ओपन कर दीजिए, देखिए कि लोग कितने तरीके से आपके ऊपर प्रश्न खड़ा करेंगे, आपकी बातों के ऊपर प्रश्न खड़ा करेंगे, है ना। उसके बाद जब वो स्वयं में जांच परख के द्वारा समाधानित होने लगते हैं तो फिर सहमत होने लगते हैं, फिर वो आपकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। बट उससे पहले तो सारा कुछ चलेगा ही जी। और आप एक बार उनसे संवाद करके देखिए, कभी ये टॉपिक्स ओपन करके देखिए, कितने तरह के प्रश्न बने हैं, पोस्ट को लेकर, सैलरी को लेकर, काम के बंटवारे को लेकर, सम्मान को लेकर, है ना जी। जी, हो सकता है हमारे पास उन सारे प्रश्नों के उस क्षण उत्तर ना हो, ये हमारे लिए भी काफी होमवर्क का काम होगा कि हाँ बात इनके जेन्युइन है। हाँ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ये काम हम पहले स्वयं में करें। और मैं तो कहूंगा कि जहां भी कठिनाई हो रही है वहां लोगों के साथ ऐसे संवाद के अवसर निकालें, बैठे संवाद करें, इससे हमको भी बहुत क्लैरिटी बनेगी, हमारे में बहुत सारी स्पष्टता बनेगी जी। हाँ भैया, इसमें जो अभी क्वेश्चन था स्पंदनशीलता और संवेदनशीलता पे, तो हो सकता मैंने गलत सुना या गलत इंटरप्रेट किया हो, पर आपने ऐसा बोला कि जहाँ स्पंदनशीलता है वहां पर संवेदनशीलता भी होगी, पर बायो ऑर्डर में तो संवेदनशीलता नहीं है और हम एनिमल ऑर्डर में संवेदनशीलता नहीं, संवेदना की बात हो रही थी। ओके, दोनों में डिफरेंस है और क्या, संवेदनशीलता तो जीव अवस्था में है, संवेदना तो प्राण अवस्था में है। अच्छा, तो मतलब प्लांट्स में इनमें भी संवेदना होती है, जो भी स्पंदन हो रहा है भाई, इसलिए मैंने कहा कि जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो संवेदना उसको नाम देता हूँ, तो शरीर में जो क्रियाएं हो रही है उसको मैं पढ़ता हूँ तो संवेदना एक नाम दिया मैं और शरीर की व्यवस्था को समझते हुए। पौधों में संवेदना नहीं कह रहे, स्पंदन ही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैं जैसी इकाई है नहीं। बट क्रिया ग्रुप में देखे तो वहां भी संकुचन प्रसारण है, हमारे शरीर में भी संकुचन प्रसारण है। हाँ, संकुचन प्रसारण को तो हम स्पंदन बोल रहे हैं, लेकिन संवेदना है और संवेदनशीलता नहीं है, भैया इसका फर्क थोड़ा बताइए। वही तो, अगर हम अपने शरीर में देखें तो संवेदना है, और जो संवेदनशीलता है वो मैं और शरीर के सह अस्तित्व में है। ओके, अब जैसे पेड़ पौधे के देखें, पेड़ पौधे स्पंदन हो रहा है, जो मेरे शरीर में जिस प्रकार से संवेदना उत्पन्न हो रही है उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी हो रही है, बट वहां से संवेदना नहीं करें, उसको मेयरली स्पंदन करें, क्योंकि वहां कोई मैं का अस्तित्व है नहीं साथ में। हाँ, तो वहां कोई पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए जो पढ़ने वाला है तो वहां संवेदनशीलता बोल रहे हैं, पढ़ने वाले में सेल्फ में संवेदनशीलता है इसलिए वो संवेदना को पढ़ पाता है। जी जी, और वहां संवेदना है लेकिन वहां सेल्फ नहीं है, इसलिए हम संवेदनशीलता वहां पे नहीं डाल रहे हैं। जी जी जी, ठीक है भैया, ये तो उस क्वेश्चन से आया था। दूसरा क्वेश्चन मेरा था भैया कि यहाँ हम जो चार्ट जो सामने हैं, हर अवस्था में संपृक्तता, कोएक्जिस्टेंस और व्यवस्था और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव की हम बात कर रहे हैं, तो भैया इन तीनों को मिलाकर ही तो हमने उसको संपृक्तता बोला है, क्योंकि सभी इकाइयाँ अस्तित्व में संपृक्त हैं, स्पेस में संपृक्त हैं, इसलिए उसमें ये प्रकटन हो रहा है। तो ये तीनों ही प्रकटन है, तो ये तीनों ही तो संपृक्तता है, तो हमने एक कॉलम में संपृक्तता डाला हुआ है, जबकि ये तीनों ही जो एनर्जाइज्ड हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, इसी को हमने को एग्जिस्टेंस
और व्यवस्था अनुभव व्यवस्था और बोध बोध अनुभव बोध और चिंतन या को एग्जिस्टेंस और ये बोला है हमने स्वभाव स्वभाव बोला है और व्यवस्था बोला है तो ये तीनों ही तो संपृक्तता है भैया लेकिन हमने एक कॉलम में ही संपृक्तता लिखा हुआ है मेरी आवाज आ रही भैया जी आ रही है तो थोड़ा सा एक कॉलम में ही हमने संपृक्तता या को एग्जिस्टेंस लिखा लेकिन जब हम को संपृक्तता की डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसमें एनर्जाइज्ड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट है तो ये तीनों ही संपृक्तता का ही तो है भैया तो फिर हमने एक कॉलम में ही संपृक्तता क्यों लिखा हुआ हाँ, अगर तो फैला के देखें तो ये सारा कुछ अस्तित्व का ही प्रभाव है जी। तो इसको अलग से इसलिए लिखा है ताकि इस पर हमारा ध्यान चला जाए तो जो स्वभाव है वो भी अस्तित्व का ही प्रभाव है अस्तित्व प्रकटन में है जो धर्म है वो भी अस्तित्व के प्रकटन में ही है जो अनुसंगीयता है वो भी अस्तित्व के प्रकटन में ही है तो प्रकटन में तो सभी दिखाई देंगे इसको एक जोड़ा ताकि इसको भी हमारा इस पे भी हमारा ध्यान चला जाए इस प्रकार हमारे संज्ञानीयता बनी हुई है संज्ञानशीलता बनी हुई है किस प्रकार से हम संज्ञानीयता को सुनिश्चित करते हैं किस प्रकार पेड़ पौधों में स्पंदन हो रहा है स्पंदन हो रहा है वो क्रिया है ना स्पंदनशीलता है उसको पहचानने का प्रयास किया स्पंदन क्रिया है और स्पंदनशीलता स्पंदनशीलता को पहचानने का प्रयास किया शास्त्रित्व के प्रकटन के रूप में और ये सब कुछ देखे चार्ट में जो कुछ भी लिखा है ये चार अवस्थाओं में होना ये भी शास्त्रित्व का प्रकटन है इनमें क्रिया का होना इनका उर्जित होना इनका निश्चित स्वभाव होना निश्चित धर्म होना ये सब कुछ अगर देखे निश्चित अनुसंगीयता होना ये सारा शास्त्रित्व का ही प्रकटन है हाँ तो भैया बस ये वर्ड अपन ने केवल इसको समझने के लिए लिखा हुआ कि ये तो सभी प्रकटन उसी का है शास्त्रित्व का प्रकटन ही है पर ये जो को संपृक्तता है जो कॉलम बना है इसके लिए कोई दूसरा वर्ड हमारे पास नहीं होने से हमने यहाँ संपृक्तता लिखा है मतलब इस पे भी हमारा ध्यान चला जाए इसलिए लिखा अच्छा, है अच्छा क्योंकि तो पूरा अस्तित्व ही अस्तित्व है तो सभी समाहित है ही जी और भैया इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्पंदनशीलता है वही ग्रोथ का बेस है आधार है आधार जी वही आधार में तो अस्तित्व है लेकिन स्पंदनशीलता की क्रिया होने से यहाँ पे ग्रोथ बोध के रूप में आया है ऐसा हाँ स्पंदनशीलता साथ में है ही ग्रोथ भी साथ में है तो ये बात तो ठीक उसमें देखे तो सारक भी है मारक भी है हाँ तो भैया स्पंदनशीलता मतलब कोएक्जिस्टेंस आधार है स्पंदनशीलता का बायो ऑर्डर में along with interaction ये सभी कुछ का आधार अस्तित्व ही है हाँ, हाँ. अब अस्तित्व को फैला के देखिए तो इकाई शून्य बनी हुई है ऊर्जित है नियंत्रित है परस्परता को पहचान रही है निर्वाह कर रही है अब उसके ऊर्जित होने को मैं जिस भी एंगल से देखता हूँ तो मुझे एक प्रकार से चीजें दिखाई देती है तो क्रियाशील है ऊर्जित होने के आधार पर किस प्रकार से क्रियाशील है तो इस रूप में भी है उस रूप में भी है ओके हाँ, हाँ. तो भैया ऊर्जित होने से क्रियाशील है पदार्थ अवस्था में ऊर्जित होने से क्रियाशील के साथ स्पंदनशीलता है बायो ऑर्डर में ऐसा हाँ, हाँ, हाँ. तो ये दोनों ऊर्जित हैं फिर भी एक जगह सभी ऊर्जित हाँ जी भैया अभी मैं एग्जांपल में दोनों ले रहा हूँ इसलिए दोनों की बात कर रहा हूँ तो ये जो स्पंदनशीलता यहाँ पर एड होती है बायो ऑर्डर में ये तो एक उसका डिजाइन ही है हाँ और इसीलिए हमने उसको अलग ऑर्डर बोल दिया अदरवाइज अलग अलग ऑर्डर ही नहीं होते पर ये जो ऐड हो रहा है उसकी वजह से जो स्वभाव धर्म में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो उसकी वजह से हमने इसको यहाँ पर लिखा है हाँ, तो जब हम निर्वाह करने जाएंगे तो पेड़ पौधे के साथ एक तरह का निर्वाह करेंगे जी के साथ अलग तरह से निर्वाह करेंगे जी जी तो भागीदारी को ध्यान में रखकर ये चार अवस्थाओं को रखा गया जी ठीक है भैया ठीक जी भैया नहीं अभी जो वो भैया के साथ चर्चा हो रही थी संस्था में जो बात आप समझा रहे थे तो उसी में हम एक चीज वो शेयर करना चाहते थे कि
वो मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रही हूँ कि होता क्या है कि हम लोग जब जैसे मैं कुछ भी मुझे समझ में आया कुछ भी जो सही बात अपने जीने से, तो वो मुझे हड़बड़ी हो जाती थी पहले, जो लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं, उस हड़बड़ी में जो है सो उसमें उसके लिए ये सही नहीं है, उसके लिए ये सही है, तो उसके कारण मैं खुद परेशान हो जाती थी। तो बाद में फिर मेरा इस पर ध्यान गया कि हम इतना दिन से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो मेरे में तो अपने में पूरा परिमार्जन हुआ, नहीं तो लोग कैसे समझेंगे, कब समझेंगे, अब इसको हम तो तय नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे संसर्ग में चर्चा में रह करके लोगों ने बहुत अच्छी बात, शब्द तो बहुत अच्छा अच्छा, क्योंकि हम लोग हिंदी का बहुत अच्छा शब्द प्रयोग इसमें करते हैं, सीख लिया, लेकिन वो नहीं हुआ। यही स्थिति शुरू में मेरी भी थी कि ठीक है सुन लिया लेकिन हुआ नहीं। तो बाद में जब धीरे धीरे इस पर ध्यान गया ना, तो वो भी शिकायत जो है सो मतलब कम हुआ उसका, जो संस्था में या घर में या परिवार में या हमारे संबंधी या जिस पर हम बहुत अधिक वो कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा। तो बाद में ये अपने में लगा कि नहीं, वो अपनी स्थिति गति के अनुसार करेंगे, हम समय समय पर हमको यदि कुछ अच्छा समझ में आया तो हम ध्यान दिला सकते हैं। तो हो सकता है भैया भी यदि इस चीज पर ध्यान दे तो भैया को भी थोड़ा सा और संस्था में काम करने में मतलब ठीक लगे, सबके साथ संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक रहने में ठीक लगे। ये चीज भैया हम शेयर करना चाह रहे थे। चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी, इसी में मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि ये जो संवेदनशीलता है, स्पंदन तो हो रहा है, चाहे बाय ऑर्डर हो चाहे व्यक्ति विशेष हो, और उसको अगर संवेदनशीलता है और हम तो वो एक बोध की तरफ ले जा रहे हैं, वो हमारा अनुभव भी है, तो इसको थोड़ा बताएंगे जी। बोध की तरफ मतलब बोध मतलब यदि हम संवेदन स्पंदन हो रहा है उसको अगर महसूस कर पा रहे हैं, संवेदनशीलता संवेदना अपने को हो रही है, तो इसका मतलब बोध हो रहा है, जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इन्फॉर्मेशन मिलना अलग चीज है, बोध होना अलग होना। तो बोध का तो मतलब है कि व्यवस्था का स्पष्ट होना, व्यवस्था दिखना। जी हाँ, बोध मतलब उससे ऊपर की बात होगी जी। बोध का मतलब तो अपने को ज्ञान मिल गया, और इसके ऊपर तो अनुभव भी होना ग्रेजुएशन। जी जी बिल्कुल। तो बोध तो व्यवस्था का दिखना है। थोड़ा भैया स्पष्ट कर पाएंगे तो। हाँ वही ना, बोध का मतलब व्यवस्था का दिखना जी, जी। चारों अवस्थाओं की स्वयं में व्यवस्था क्या है ये दिखना बोध है। ठीक। और जानकारी लेना, सूचना लेना, ये सब तो कल्पनाशीलता में है, ये तो बोध नहीं है, ये तो कोई सूचना ले ली हमने, तो रूप और गुण के बारे में ही सूचना। बोध का मतलब स्पष्टता होना, बोध मतलब दिखना, मुझे व्यवस्था दिखी। ठीक। अवस्था ऐसी ही है, पदार्थ अवस्था ऐसी ही है, मानव ऐसा ही है, ये दिखना। ठीक। स्पष्ट होना मतलब प्रमाणिक रूप से पता चलना बोध। स्पष्ट होने तो कई बार लगता है विचार में स्पष्ट होना, तो विचार में स्पष्ट होना नहीं। ठीक ठीक है भैया। तो पूरी प्रकृति को देखें तो इस प्रकार है, प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं, समर्जेंस के रूप में जो दिखाई दे रही हैं चीजें उन पर हमने डिस्कशन किया, वैसे ही अपने को व्यवस्था दिखाई दे रही है, स्वभाव दिखाई दे रहा है, क्रिया दिखाई दे रही है, अनुसंगीता दिखाई दे रही है। तो चिंतन में मुझे स्वभाव दिखाई देता है, चार अवस्थाओं का स्वभाव दिखाई देता है। तो मानव से शुरू करते हैं, किसी अन्य अवस्था से भी शुरू कर सकते हैं, बट आमतौर पर देखें तो चूंकि हमारा संबंध पे ध्यान जाता है और संबंध को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, तो मानव के संबंध में कौन से ऐसे भाव हैं जो सहज रूप से मुझे स्वीकार है, तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन भावों पर ध्यान जाता है, ये हमारे चिंतन में स्थापित होते हैं। वैसे ही चारों अवस्थाओं की स्वयं में व्यवस्था पे हम लोगों ने पूरा फैलाकर देखा, उसका मुझे बोध होता है, और पूरी प्रकृति किस प्रकार शून्य में संपृक्त है इसका मुझे अनुभव होता है। भैया जो पिछली स्लाइड थी उसमें एक ब्लॉक खाली था, तो एक्चुअली मैंने एक दूसरा शिविर किया था, उसमें उसको दीनता, हीनता और क्रूरता बताया गया था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो यहाँ जो खाली छोड़ा गया, किसी पर्पस के लिए खाली छोड़ा गया है चार्ट में,
दीनता हीनता क्रूरता जो है वो स्वभाव है नहीं, उसको स्वभाव के रूप में कई बार हम रख देते हैं कि आदमी ऐसे जी रहा है, बट वो स्वभाव है नहीं, वो अभ्यास है। तो ज्ञान के अभाव में मानव ऐसा ही जीता है। ये तो जो अपने दिखाए भैया डिल्यूडेड, हाँ डिल्यूडेड सेल्फ की जो स्थिति दिखाई है, तो एक अध्ययन बिंदु शिविर में यहाँ पर इसको दीनता हीनता और क्रूरता बोला गया था। तो मुझे मेरे को इसके लिए जाना था कि हमने यहाँ इसको इसीलिए छोड़ा हुआ है कि वो स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको खाली छोड़ दिया। हाँ वो स्वभाव नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो जी, तो ये विल टू लिव विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस पहले से बना हुआ है, ठीक। अब राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंश्योर होना है। वैसे ही धीरता वीरता उदारता के प्रति सहज स्वीकृति पहले से बनी हुई है। जी जी, तो अगर इसको भरना हो तो लिखेंगे धीरता वीरता उदारता के प्रति सहज स्वीकृति पहले से ही बनी हुई है। हाँ हाँ, वो टर्म्स थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे उसको यूज नहीं करना चाहते, ऐसा है भैया? क्योंकि भैया डिल्यूडेड सेल्फ की जो स्थिति है वो तो इस तरह की आती है भैया, दीनता हीनता और क्रूरता उसमें आती है। तो डिल्यूडेड सेल्फ में जो स्थिति है वो स्वभाव नहीं है। हाँ स्वभाव नहीं। येलो ब्लॉक में लिखना हो तो लिखेंगे धीरता वीरता उदारता की सहज स्वीकृति, जो सहज स्वीकृति है पहले से ही। पे लिखा है जीने की आशा, तो और आगे लिखा हमने राइट अंडरस्टैंडिंग, तो वो वहां पे कंप्लीट हो जाता है, निरंतर सुख रूप जीना। यहाँ पे इसकी सहज स्वीकृति है वो हुआ नहीं है, जैसी राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग होगी तो वो दीर्घता वीरता और के रूप में आएगी, ऐसा है ना भी? हाँ, और इसमें भी देखें तो ठीक है, ये अगर हम इसको और ठीक से प्लेस करें तो इमेजिंग एनालाइजिंग सिलेक्टिंग टेस्टिंग पहले से ही है, पोटेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग भी पहले से ही है, ठीक। राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कंटेम्पलेशन, इसको अगर और ठीक से प्लेस करें इस चार्ट को, हम लोग और है ना इसको बना सकते हैं, इसमें और चीजें हम लोग कुछ बदल के लिख सकते हैं। तो जो पोटेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग भी पहले से ही है, इसको भी हम यहाँ दिखा सकते हैं, बट चूंकि हम लोग उसको ज्ञान से के साथ जोड़कर देख रहे हैं इसलिए उसको ऊपर नहीं लिखा है। तो पोटेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है। राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि चिंतन, बोध, अनुभव, संकल्प, अनुभव प्रमाण, ये होना है। तो जब मेरे अंदर अनुभव प्रमाण, बोध, संकल्प, चिंतन, ये क्रियाएं जागृत होती हैं, तो मेरे अंदर धीरता वीरता उदारता बनी रहती है, और क्रिया के रूप में मतलब जो व्यवस्था के रूप में मेरी जो सहज स्वीकृति पहले से बनी हुई है, तो ज्ञान सुनिश्चित होता है, समाधान सुनिश्चित होता है। अगर बिल्कुल कैटेगरिकली देखना हो कि ब्लॉक B1 की जागृति से पहले क्या स्थिति है, ब्लॉक B1 के जागृति के साथ क्या स्थिति है, इसको और कैटेगरिकली प्लेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, एक नया वर्ड सुनने को मिला अभी मुझे, जस्ट इसलिए मैंने बोला। डिल्यूटेड सेल्फ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिल्यूटेड सेल्फ, क्योंकि सेल्फ तो हमेशा एंजॉय करता है। प्लीज, डिल्यूटेड सेल्फ मतलब जिस भ्रमित मैं, यानी कि जिसमें जो ब्लॉक B1 की क्रियाएं हैं वो जागृत नहीं हुई है जी। तो सेल्फ का जो मतलब सेल्फ की जो ये है, क्या बोलेंगे हम, स्वभाव बोलेंगे यार, वो तो हमेशा खुशी में रहना चाहता है, फिर वो डिल्यूटेड कैसा हुआ? चाहना तो ठीक है, डिल्यूट मतलब बहुत सारी मान्यताएं ढो रहे हैं अपने अंदर, हम बहुत सारे भाव विचार बने हुए जो व्यवस्था के अर्थ में ना हो। तो अगर व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, है ना, तो हम डिल्यूटेड हैं, भ्रमित हैं। अच्छा, लेकिन उसका तो मूल स्वभाव, अगर अभी की स्थिति को देखें तो डिल्यूटेड हैं। हाँ, थोड़ा एक बार बोलेंगे भैया, क्या कौन सा डिल्यूटेड है बोला आपने? अभी की अपनी स्थिति को देखेंगे तो डिल्यूटेड सेल्फ के रूप में जी रहे हैं। अच्छा, और क्या, अभी जागृत ना हुए? नहीं, बराबर। अच्छा, लेकिन हमारी मूल चाहना है अच्छा रहने की, मतलब कुछ समझने की, कुछ और पाने की जी, है ना जी। तो चाहना है संबंध पूर्वक जीने की, व्यवस्था पूर्वक जीने की, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो नहीं मिलता, वो नहीं रहता वैसा, इसलिए उसको डिल्यूटेड सेल्फ बोला गया। ठीक है जी भैया, नमस्ते।
बढ़िया भैया। ये संज्ञानशीलता और संज्ञानीयता में थोड़ा सा फर्क बताएंगे क्या, इस स्लाइड में दिया हुआ है दोनों ही राइट पहले से बनी हुई है। जानने की क्षमता संज्ञानशीलता पहले से बनी हुई है। जानना पूरा होता है अनुभव बोध चिंतन के साथ, तो उसको संज्ञानीयता कहा। यानी ब्लॉक B1 एक्टिव हो गया तो संज्ञानीयता है, उसके पहले संज्ञानशीलता है। जैसे अभी अपनी स्थिति को देखें तो संज्ञानशीलता तो हमें है ही, तभी तो हम इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, सुबह से उठ कर 1 घंटा 2 घंटा लगा रहे हैं, क्योंकि संज्ञानशीलता है ही हमें। जो नहीं लगा रहे उनमें भी है, बट ये उनका ध्यान नहीं गया है। तो संज्ञानशीलता हर मानव में है। संज्ञानीयता जब हम इसको जैसे जैसे ध्यान देते हैं हमको स्पष्ट होता है, जैसे चिंतन में कोई भाव स्पष्ट हुआ तो उतनी संज्ञानीयता सुनिश्चित हुई। संबंध के साथ हमें व्यवस्था स्पष्ट हुई, उतनी संज्ञानीयता सुनिश्चित हुई। तो क्रमशः हम ऊपर गति कर रहे हैं ब्लॉक B1 में। तो ब्लॉक B1 में जो जागृति हो रही है उसको संज्ञानीयता कहा। ब्लॉक B2 में एक्टिव है, बट ब्लॉक B1 का पोटेंशियल है, जानना चाहते हैं, जानने की क्षमता है, इसको संज्ञानशीलता कहा। एक दूसरा प्रश्न था भैया कि जो ये तर्क है, ये तर्क तो हमारी कल्पनाशीलता तक ही रुकेगा, ऊपर तो ये जाएगा नहीं। तो अब तर्क ऊपर जाएगा नहीं तो आगे की गति कैसे होगी? मतलब वो जो हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं देखने वाला उससे होगा? भाव संपन्नता से। जैसे मैं प्रश्न फिर से रिफ्रेश कर दूं, जैसे तर्क से नहीं जाएंगे ऊपर, भाव से जाएंगे। अच्छा, चिंतन में भाव है ना? जी भाव है। तो चित्रण से चिंतन की ओर जाते हैं तो भाव में गति करते हैं। ठीक है, तो वहां विचार का तर्क का रोल नहीं है, भाव का रोल है। तो फिर इसको समझना के लिए, जैसे समझने के लिए तो तर्क चाहिए होता है, भाव के लिए तो कोई तर्क नहीं चाहिए, भाव तो सीधे सीधे दिखता है। जी, तो जो तर्क है विचार है उसका एक निश्चित रोल है। क्या है कि जो प्रस्ताव आ रहा है वो जांचने योग्य है कि नहीं, इसको हम तय करते हैं तर्क के आधार पर। कि अगर इलॉजिकल बात हो रही है, इरेशनल बात हो रही है तो वहीं ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वास्तविकता तो हो नहीं सकती। तो तर्क से ये तय हो जाता है कि क्या नहीं हो सकता। ये ठीक है, बिल्कुल तर्क से ये तय हो जाता है क्या नहीं हो सकता। अब जो हो सकता है उसको जांचते हैं, जांचते हैं तो उसमें अपनी सह स्वीकृति को भी देख रहे होते हैं, भागीदारी को देख रहे होते हैं, और उस इकाई का जैसा है वैसा होना भी देख रहे होते हैं। तो भागीदारी को भी देख रहे होते हैं और जैसा है वैसा होना भी देख रहे होते हैं। जो हम पूछते हैं आप दुखी करना चाहते हो सुखी करना चाहते हो, हम कहते हैं सुखी करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने अपनी सह स्वीकृति को देखा, अपनी भागीदारी को देखा, मैं क्या हूँ, दूसरा व्यक्ति क्या है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो उसकी व्यवस्था को देख रहे हैं, इस प्रकार है। ठीक है भैया, बढ़िया। जैसे मैंने काफी सोचा कि मैं सुखी क्यों होना चाहता हूँ, इसका कोई लॉजिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो ये क्या है, ये देखना है क्या, मैं क्यों सुखी होना चाहता हूँ, इसका कोई तर्क मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्यों सुखी होना चाहता हूँ। तो जब भी आप स्वभाव को लेकर प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्यों है, तो चूंकि वो बना ही हुआ है इसलिए वहां पर उत्तर नहीं मिलेगा। मैं सुखी क्यों होना चाहता हूँ, सुखी क्यों करना चाहता हूँ, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, यही मेरा स्वभाव है। तो अगर क्यों का उत्तर नहीं मिल पा रहा तो आप एक संकेत ये है, उससे एक अर्थ ये निकलता है कि अब मैं स्वभाव को देख रहा हूँ अपने। वैसे क्या के आगे कोई उत्तर अगर नहीं मिलता है ना, या वहां देखना ही बनता है, तो बोध के स्तर पे हम चीजों को अब देखने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। क्या मैं क्या हूँ है ना, अल्टीमेटली इसको देखना ही पड़ेगा, जितने भी शब्द दिए उससे उत्तर नहीं मिलेगा उसका, मुझे अपने आप को देखना ही होगा। बहुत बढ़िया थैंक यू। क्यों और क्या, यानी व्यवस्था में भागीदारी या स्वभाव जो है वो क्यों, और व्यवस्था जो है वो क्या से जुड़ता है ना भैया जी।
नमस्ते भैया। मैं ये मुझे एक छोटा सा डाउट ये आया था भैया, ये जो पी1 ब्लॉक में डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प जो लिखा है, इसको गति क्रिया क्यों बोला है हमने? मतलब शायद बहुत बेसिक पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प जो होता है वो स्थिति क्रिया में होना चाहिए ना, उसे गति क्यों कहा है? और चिंतन ये बदलते रहता है, मतलब हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो ये गति क्रिया में जाना चाहिए क्या? ऐसा मुझे डाउट आया था, प्लीज। देख, कोई भी शब्द रख ले वहां पर, मुद्दा ये है कि कुछ स्थिति में होगा तो कुछ गति में होगा। हाँ हाँ, तो मुझे समझ में आएगा वो स्थिति में होगा। हाँ, और उसके आधार पर जो मैं निर्णय लूंगा जीने के अर्थ में, चाहे स्वयं में या परस्परता में, वो गति में होगा। तो मुझे भाव हुआ, उसको चिंतन कह दिया, है ना, क्योंकि भाव दिखेगा ना, दिखेगा तो मेरे अंदर स्थापित होगा वो। हाँ, तो समझ मेरे अंदर स्थापित होता है। जो हमको अच्छा जो हमको दिखता है, जो हमको समझ में आता है, वो स्थिति में जाएगा और उसके आधार पर जब सॉरी भैया प्लीज वो सेंटेंस हाँ निर्णय लेंगे। ओके, तो वो गति क्रिया में जाएगा। तो संकल्प में देखें तो निर्णय है कि एक बार व्यवस्था स्पष्ट हो गई तो इस बोध के साथ ही जीना है मुझे। ओके, हाँ सही है। ओके, तो मैं डायनामिक, ये डायनामिक का जो मतलब है मैं उससे थोड़ा कंफ्यूज हो गई लग रहा है मुझे, बिकॉज डायनामिक हम लोग चेंजिंग जो होता है, वेरी जो वैरी होता रहता है उसको डायनामिक बोलते हैं ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि फिर अगर डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प जो हम निर्णय लेंगे वो तो फिक्स रहेगा ना, तो वो डायनामिक कैटेगरी में कैसे कह जा रहा है, गति क्रिया में कैसे जा रहा है, ऐसा मुझे लगा था एक्चुअली। तो अब से बाहर की ओर है वो, मुझे कोई बात समझ में आ गई, वो बाहर से अंदर की ओर आया, स्थापित हो गया। अब मैं जो भी निर्णय लूंगा वो अंदर से बाहर की होगा, चाहे मेरी स्वयं की नीचे की क्रियाएं हैं उनके लिए होगा या मेरे परस्परता में जो भागीदारी उसके लिए होगा। तो मूल बात देखें तो दो ही बातें हैं, क्या स्थिति है और गति है। ठीक, अब स्थिति में या तो समझ है या मान्यता बनी हुई है हमारे अंदर बहुत सारी, या है ना उल्टा पुल्टा चल रहा है, ठीक है ना। गति में देखें तो वैसे हम लोग जीना हो रहा है। हाँ, यस भैया, मुझे और एक छोटा सा सवाल था, मतलब जो मैं अभी रोज अनुभव कर रही हूँ उसके ऊपर है। नॉर्मली जैसे हम, मैं और शरीर को तो अलग देख पा रही हूँ मैं, लेकिन ऐसे हो रहा है कि कोई विचार एक मन में आ जाए और मुझे वो अच्छा ना लगे। ओके, समहाउ मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरे खुद की मान्यताओं के साथ या मेरे नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ, वो नहीं जा रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो विचार करूं। लेकिन ऐसा होता है कि बार बार रह रहे के जब भी मैं कोई और एक्टिविटी नहीं कर, मतलब मेरा दिमाग कहीं और बिजी नहीं है, तो वही चीज मुझे बार बार मेरे मन में आती है, मेरे दिमाग में आती है, तो मैं जितना उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज बार बार आ रही है। ओके, और ये मतलब कई बार मैंने देखा है इंटरमिटेंटली ऐसे होता है कि कभी तो भी ऐसा विचार आता है कि जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब जो मेरे नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ नहीं है, मैं कभी उसको सोचना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो दिमाग में आता है और वो बार बार फिर वही वही आता रहता है। इसको कैसे अवॉइड किया जाए भैया, मतलब ये क्यों ऐसे हो रहा होगा और इसको अवॉइड कैसे? हमारा प्रयास अगर अवॉइड करने के लिए है तो आएगा ही। जैसे कई बार एक उदाहरण देते हैं ना कि एक ऋषि ने कहा अपने शिष्य को कि जाओ, है ना, ऐसे कहा गया, कहानी है, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो बच्चे उस नदी में नहा कराओ, बट इतना ध्यान रहे कि नदी में नहाते समय लाल मुंह वाला बंदर तुमको नहीं दिखना चाहिए। और ज्ञान हो जाएगा, बट शर्त यह है कि लाल मुंह का बंदर नहीं दिखना चाहिए। अब बेचारा जब याद है सुनना शुरू किया तभी उसको लाल मुंह का बंदर याद आए, नहा रहा तो याद आए, उन्होंने कहा कि ये तो अजीब संकट हो गया। तो हम जब कोई चीज को अवॉइड करते हैं तो लौट लट कर आता है वो। तो इन विचारों को अवॉइड नहीं करें जब भी, लेकिन मैं एनालाइज भी कर रही हूँ ना उन विचारों को, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो विचार सही नहीं है मेरे को, मुझे नेचुरली एक्सेप्टेड भी नहीं है, तो भी वो विचार आ रहे हैं मन,
तो मतलब क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है उस पे ध्यान नहीं जा रहा है, तो आप अभी उसको रोक रही हैं, उसको अवॉइड कर रही हैं, उसको नकार रही हैं, बट जो स्वीकार है उसको देख नहीं पा रही हैं। तो नकारने से काम नहीं होगा, जो सहज से स्वीकार है उसको देखने से काम होगा। ओके ओके ठीक है भैया, कोशिश करती हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में सब हो रहा है। अब इसलिए हो रहा है तो ये जो चिंतन बोध अनुभव की बात हो रही है ना, तो जो हमारी सहज स्वीकृति है वो हमको दिखाई देगी जब, उसका अन्यथा विचार ही नहीं आएगा। हाँ लेकिन सहज स्वीकृत क्या है ये भी मुझे समझ में आ रहा है भैया, लेकिन मतलब पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है, खाली विचार हो रहा है, उसमें भी आप देखें तो शंकाएं बनी हुई है। हाँ विचार ओके हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, शंकाएं बनी हुई है, जैसे दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, ऐसा दिखता नहीं दिखता है। नहीं दिखता होगा कई बार, मतलब नहीं दिखता, दिखता नहीं है उसके दिल में, रहता होगा, मुझे नहीं दिखता कई बार, तो हो सकता है, लेकिन उसके दिल में हो सकता है, मतलब होगा ही कि मुझे सुखी करना है। इसलिए इस प्रस्ताव को ठीक से अध्ययन कर रहे हैं, स्वयं में जांचने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिखेगा तो इसका अन्यथा हमें कुछ अलग से लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब मुझे वास्तविकता जैसे वैसे दिखाई दे रही है तो भ्रम क्यों पैदा होगा। जब मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हर मनुष्य मुझे सुखी करना चाहता है, जितनी समझ उतना कर पाएगा, तो मुझे कभी लगेगा ही नहीं कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है। अब मुझे लग रहा है कि दूसरा दुखी करना चाहता है, अब मेरे अंदर विरोध का भाव आ रहा है, मैं उसको अवॉइड करूं, है ना, इससे कुछ निकलेगा नहीं। सही है, वो भी मुझे याद है भैया, आप जैसे आपने बहुत दिनों पहले बोला था कि मतलब कभी भी ऐसे विरोध आए तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि बात कर लो, जैसे इवन फैमिली में भी ऐसे कहीं विरोध आता है तो बात करो। लेकिन मैंने ये भी देखा है भैया कि कई बार हम जो बात कर रहे हैं सामने वाले को पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, या मे बी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन जो भी हम बताना चाहे वो सामने वाले ने समझना भी तो चाहिए ना भैया। ये तो नहीं होगा कि हम हमेशा कोशिश करते रहे समझाने की और सामने वाला अगर नहीं समझे तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन अलग आ सकता है, वो चिड़चिड़ अलग हो सकती है ना भैया। देखिए मजे की बात है, अगले वक्त को व्यक्ति को भी ऐसा ही लग रहा है कि हम इनको समझाना चाहते हैं, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सही तो हम हो सकता है अपने मानने के आधार पे बोल रहे हैं, वो अपने मानने के आधार पे बोल रहा है, वो अपने मानने को ज्ञान मानता है, वो अपने मानने को ज्ञान मानते हैं। वो तो है, वो है, वो सही है भैया, लेकिन फिर इसमें मार्ग कैसे निकले। यही तो अभी सुबह कर रहे हैं हम लोग, बाहर का रास्ता यही है कि जो ऊपर के ब्लॉक जीवन की क्रियाएं हैं वो एक्टिव हो जाए, जागृत हो जाए। हाँ जी, हाँ भाई, यहीं से सारा समाधान है। वो है, वो आना चाहिए, वो करना आना चाहिए। तो चिंतन में हमें संबंध स्पष्ट होता है, बोध में हमें धर्म यानी धारणा यानी स्वयं व्यवस्था स्पष्ट होती है, और अनुभव में सहअस्तित्व स्पष्ट होता है। स्पष्ट होना मतलब दिखना, यहाँ जो स्पष्ट होना करें ब्लॉक बी वन के लिए, तो क्लैरिटी जो लिखा है उसको मतलब दिखना। तो ये चिंतन बोध अनुभव की वस्तु है। तो एक दृष्टि में देखें तो इस प्रकार है, तो अनुभव में सहअस्तित्व दिखाई दिया कि सारी इकाइयां पूरी प्रकृति शून्य में बने रहती, ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, आधार में देखें तो शून्य है ना, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, इसी प्रकार पूरा अस्तित्व बना हुआ है। पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा मुझे दिखाई दिया, इसको कहा अनुभव। बोध में हम जहां नीचे से ऊपर क्रमिक रूप से गति कर रहे थे तो अवस्थाओं की स्वयं व्यवस्था स्पष्ट हो रही थी, पहले उसको विचार में स्पष्ट किया, फिर स्वयं में देखने का प्रयास किया, फिर हो सकता किसी अवस्था की व्यवस्था स्पष्ट हुई, बट पूर्णता है अनुभव की क्रिया के बाद। जब मुझे उसका आधार दिख गया तो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट हुई, जब तक उसका आधार नहीं दिखा था व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। और इसी आधार पर, सहस्तित्व के आधार पर मुझे अब जो भाव स्पष्ट हो रहे थे वो पूर्णतया स्पष्ट हुए। अभी जो कुछ शंका प्रश्न रह गया होगा
वो तिरोहित हो गए, मुझे स्वभाव पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, भागीदारी पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, संबंध पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। विचार में देखें तो विचार में हमें गुण कुछ स्पष्ट होता है, गुण में भी देखें तो गुण का एक भाग जो है वो ऊपर ब्लॉक B1 से जुड़ा हुआ है कि ऐसा ही है। तो गुण में भी देखें तो सम विषम मध्यस्थ इस रूप में रखा, तो जो मध्यस्थ गुण है वो तो ब्लॉक B1 की स्पष्टता के साथ ही है, जो सम विषम गुण है वो विचार में स्पष्ट हो रहा है, इसलिए लिखा सम पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी तो यहाँ भी स्पष्ट नहीं होती। वैसे ही अगर रूप को देखें तो एक भाग हमको स्पष्ट होता है आशा में, मतलब चयन में, आस्वादन में, ठीक। और रूप कभी हमें चयन आस्वादन के स्तर पर पूरा दिखता भी नहीं है, बाकी का हम अनुमान कर लेते हैं या पुरानी स्मृति से जोड़कर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो बढ़िया, तो ये हमारी स्थिति बनती है। तो अगर टाइटल को देखें तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस सीन बाय द सेल फ्रॉम लोअर टू हायर एक्टिविटीज। तो लोअर एक्टिविटीज में है तो हम रूप का एक भाग देख रहे हैं, गुण का एक भाग देख रहे हैं, हायर एक्टिविटीज में गए तो ये हमको संबंध व्यवस्था शास्त्रित पूरी तरह से स्पष्ट हुआ। अभी भी हमको रूप और गुण पूरा नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसमें मानसिकता बनी रहेगी, गुण के बारे में जितना ही विचार कर ले चाहे सम हो या विषम हो वो पूरा नहीं होगा, कंप्लीटनेस नहीं है, रूप में भी कंप्लीटनेस नहीं है, ठीक, बट उसके आधार में कंप्लीटनेस है। तो इस प्रकार फिर हम निर्वाह करते हैं, जो रेड एरो लगा हुआ है कंटेम्पलेशन से इमेजिंग की ओर, चिंतन से चित्रण की ओर, यहां से हमको गाइडेंस मिल रहा है। उसके पहले डेल्यूडेड सेल्फ है, अनगाइडेड है, मिसगाइडेड है। तो जो बात पहले भी हो रही थी, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे सत्व हमें दिखाई देता है, कैसे शून्य हमें दिखाई देता है, और जितनी हमारी जागृति हुई रहती है हायर एक्टिविटीज की उतना हमें ठीक ठीक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो चयन आस्वादन के स्तर पर देखें तो जो अस्तित्व हमें दिखाई देता है, संपृक्तता दिखाई देती है, शून्य का होना दिखाई देता है, वो दो इकाइयों के बीच में दूरी के रूप में दिखाई देता है। अगर तुलन विश्लेषण के स्तर पर देखें तो दो इकाइयों का परस्परता में जो प्रभाव है उस रूप में दिखाई देता है। चिंतन के स्तर पर हमें और गहरी बात दिखाई देती है कि ये जो परस्परता बनी हुई है, यानी कोई संबंध है, मौलिक रूप से कोई संबंध है वहां, तभी ये परस्परता बनी हुई है। ये जो मौलिकता दिखाई देती है, संबंध दिखाई देता है कि इस परस्परता के निर्वाह के आधार में कोई संबंध है, यह हमें चिंतन में दिखाई देता है। बोध में हमें इकाई की स्वयं व्यवस्था दिखाई देती है, इसके आधार पर है ना इकाई बनी हुई है, परस्परता को पहचान भी रही है, निर्वाह भी कर रही है, तो ये हमें बोध में दिखाई देता है। और अनुभव में देखें तो सहस्तित्व संपृक्तता जैसा वैसा मुझे दिखाई देता है। वही बात यहाँ भी लिखी गई है कि मैं शून्य को कैसे देखता हूँ। तो सेलेक्टिंग या टेस्टिंग के स्तर पे देखें, स्पेस को मैं देखता हूँ गैप के रूप में, यानी इकाई के अभाव के रूप में, इकाई नहीं है वहां, अभी मैं वहां देखता हूँ। तुलन विश्लेषण के स्तर पे देखें तो जो परस्परता में प्रभाव हो रहा है किस माध्यम से हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कैसे मोबाइल तक पहुंच रही है, मोबाइल से आप तक पहुंच रही है, इसका माध्यम क्या है, माध्यम शून्य है। उसको अगर थोड़ा विश्लेषित करें तो एक मीडियम ऑफ ट्रांसफर के रूप में दिखाई देता है। चिंतन के स्तर पर देखें तो जो रियलिटी है, जहां पे संबंध इंश्योर्ड है, जो आधार है संबंध के आधार में, तो शून्य के माध्यम से ही हर इकाई संबंधित है हर दूसरी इकाई से, संबंध शून्य में बने रहते हुए है, वैसी व्यवस्था शून्य में बने रहते हुए है, अस्तित्व तो है ही, ये चिंतन बोध अनुभव की वस्तु है। तो स्पेस को मैं कैसा देख रहा हूं, ऐसा देख रहा हूं, चयन सदन के स्तर पर गैप के रूप में, यानी दो इकाइयों के बीच में दूरी के रूप में देख रहा हूं। विचार के स्तर पर देखता हूं तो परस्परता में प्रभाव का जो मीडियम है उस स्तर पर देख रहा हूं, और आगे फिर चिंतन बोध अनुभव में जो संबंध व्यवस्था अस्तित्व का आधार है उस रूप में देख रहा हूं, जिस रियलिटी में वो चीज बनी हुई है वहां देख रहा हूँ। तो होमवर्क रूप में देखें तो हमें स्वयं में देखना है मेरा स्वभाव क्या है, मेरी धारणा क्या है, अस्तित्व में मैं किस प्रकार बना हुआ हूँ। फिर ये भी देखना है
कि हमारा जीना भी कहाँ केंद्रित है, चयन आस्वादन पे, तुलन विश्लेषण पे या चित्रण पे। असाइनमेंट हमने पहले भी लिया था, उसके बाद फिर से देखना है चिंतन में है या चित्रण में है, वैसे बोध या संकल्प के स्तर पर है या अनुभव प्रमाण के स्तर पर, अभी हम कहाँ जी रहे हैं। तो हाईली लाइकली कि हमें कुछ चयन आस्वादन या तुलन विश्लेषण या चित्रण का उत्तर मिलेगा, बट उसको फिर हम फैला के देखेंगे। किसी एक इकाई को लेना है, उसके पांचों आयामों पर बात करनी है, उसका रूप किस प्रकार का, गुण किस प्रकार का, स्वभाव धर्म परम धर्म किस प्रकार का, इससे क्या होगा कि हमें उस इकाई की स्पष्टता बनेगी, है ना। हमको दिखता है कि जो अभी हम इतनी सारी बातें करते हैं रूप और गुण को लेकर ही करते रहते हैं, स्वभाव को तो पता ही नहीं रहता, तो उस प्रकार हम अपने आप को भी जैसा है वैसा देखने का प्रयास करेंगे। फिर अपने आप में देखना है कि क्या हम सहस्तित्व को देख पा रहे हैं, समवर्जन को देख पा रहे हैं, कहाँ तक देख पा रहे हैं अभी हम। वैसे ही अपने आप में देखना है कि हम स्पेस को देख पा रहे हैं, किस क्रिया तक देख पा रहे हैं, क्या हम दूरी मात्र देख पा रहे हैं या परस्परता का जो माध्यम है उसको भी देख पा रहे हैं, या संबंध का जो आधार है उसको भी देख पा रहे हैं, या शून्य इस प्रकार हर इकाई की व्यवस्था के आधार में उसको देख पा रहे हैं, शून्य के साथ कैसे पूरा अस्तित्व बना हुआ है इसको देख पा रहे हैं। ये अपने आप में देखने समझने की वस्तु है, ध्यान देने की वस्तु है जी। तो आज के लिए असाइनमेंट रहेगा, इसमें किसी एक भाग को उठा लिया, छुट्टी का दिन भी है तो हम लोग अलग से आधा घंटा एक घंटा बैठे, है ना, अलग से बैठ ले और इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि बात उतनी ही है, शब्द उतने ही है, ठीक। और अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे जांचने से, जी कर देखने से। तो हो सकता है कि अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पे ये बात आई हमारे सामने, अलग अलग शब्दों में आई, बट अल्टीमेटली मुझे देखना होता है कि मैं अभी अपने सुख को इस ज्ञान के साथ जोड़ के देख रहा हूँ या कहीं बाहर ढूंढ रहा हूँ। भैया ये जी के अभी तुरंत बात हो रही थी कि जैसे हम लोग बात करते हैं या हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो सुनने के माध्यम से, तो जैसे साउंड है तो साउंड तो सुनने में नहीं गमन करती है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। साउंड क्या हुआ कि हवा के कणों का जो परस्परता है प्रभाव है वो हमको ध्वनि के रूप में दिखाई देता है जी, सुनाई देता है, तो परस्परता है प्रभाव है साउंड। अब किस माध्यम से हो रहा है, तो सुनने के माध्यम से, कैसे एक हवा का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है और कैसे ट्रांसफर हो रहा है वाइब्रेशन जी, ये शून्य के माध्यम से हो रहा है। तो अभी तो हमने आवाज ली सुनी, उसमें हम गुम हो गए, खो गए, बट उसके आधार में जाएंगे तो हम देखते हैं कि इस आवाज के पहुंचने का भी आधार क्या है, कैसे आवाज मुझ तक पहुंचती है कि नहीं। तो परस्परता में जो माध्यम है उसको देखें। तो आज हम सभी लोग, छुट्टी का दिन है, समय हो सकता है हमारे पास हो, कोई प्रायर कमिटमेंट्स ना हो, आधा से एक घंटा अलग से बैठ के ध्यान से देखें इन चीजों को, हर एक शब्द के अर्थ में जाएं, उनकी बारीकियों में जाएं, तभी कुछ आगे गति बनेगी, है ना। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, तभी कुछ आगे गति बनेगी, तो इसको हम बारीकी से देखें, सुने, समझें जी। बढ़िया भैया, आज के लिए असाइनमेंट रहेगा, आज यहाँ रोकना होगा, समय हो चला है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।